रिकॉर्डिंग ऑन है अब। तो ये मेरे पास एक मेटलिक प्लेट, ठीक है, इस मेटलिक प्लेट की पोजीशन पे लेट से मैंने कुछ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है इस सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये टाइम वेरिंग, ये वेक्टर वेरीज विथ टाइम। ओके, तो इससे क्या होगा सोच के देखिए, मेरे पास अगर मैं इसके अंदर कोई भी एक लूप कंसीडर कर लूं, ये रैंडम शेप का लूप है, ठीक है, दिस इज अ रैंडम लूप, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, फ्लक्स थ्रू दिस लूप वेरीज, राइट, यस और नो, बोलिए, फ्लक्स यस सर, वेरी करेगा, मतलब इस लूप में एक ईएमएफ जनरेट हो, ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, दैट मींस यहां पर एक करंट भी इंड्यूस होगा। तो हम क्या देखेंगे, अगर एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में एक मेटलिक प्लेट रखा हुआ है, मेटलिक ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मेटल का सरफेस रखा हुआ है, मेटल के सरफेस पे अगर टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करोगे तो उसके सरफेस पर कोई भी लूप बनाओगे तो उस लूप में से क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी करेगा तो उसमें एक रैंडम करंट आएगा। अभी रैंडम करंट इस लूप में नहीं, ऐसे हर एक लूप में आ रहा है, ऐसे घूम रहा है हर जगह करंट, ऐसे घूम, राइट, तो ये करंट किसी कर्म का तो है नहीं, है क्या किसी कर्म का, नहीं, नहीं सर। सो इस वजह से क्या होगा, फ्री फंड में कुछ एनर्जी का लॉस होगा, है ना, एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, आया ना, आया ना, क्योंकि बेकार में आपका क्या होगा, ये जो मेटलिक सरफेस है वो गर्म होगा, तो एनर्जी जो है, जिस भी एनर्जी की वजह से, जिस भी एनर्जी का यूज करके आप मैग्नेटिक फ्लक्स वेरी कर रहे हैं, कैसे वेरी कर सकते हो, मैग्नेट को मूव करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, तो मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, हाँ या ना, यस तो उसकी वजह से कुछ करंट इंड्यूस होगा और हम देखेंगे क्या कि एनर्जी जो है वो, उस एनर्जी का लॉस होगा। ओके बेटा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, नहीं सर, हीट की फॉर्म। अब वैसे तो ये जनरली हमारे लिए न्यूसेंस, पर हम क्योंकि हम इंसान हैं, हमें भगवान ने अकल दी है, हम उस अकल का यूज करके हर एक न्यूसेंस को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं। हाँ सर, एक सेकंड में आपका डाउट ले रहा हूँ, क्या है यहाँ पे फेवर, इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं इस हीट को, तो आप लोगों ने सबने सुना होगा अबाउट इंडक्शन कुकर, सुना है कि नहीं सुना, नहीं सुना है ना, यूज भी होता होगा ज्यादातर लोगों के घर में, राइट, क्या करता है वो इंडक्शन कुकर, तो अगर आपने कभी यूज किया है तो आप देखोगे कि उसका सरफेस गर्म नहीं होता, उसके ऊपर रखा हुआ जो कंटेनर है, जो बर्तन है, वो गर्म हो जाता है जिससे खाना पक जाता है, आया ना, सर, है ना, ऐसा कैसे हो रहा है, ये अब खुद गर्म ही नहीं हो दूसरे को गर्म कर दिया, क्या करता है वो कुकर, अपने सरफेस के ऊपर, सरफेस के पास में मैग्नेटिक फील्ड को टाइम के साथ वेरी करता है, और उसके ऊपर क्या रखते हो आप, मेटलिक कंटेनर रखते हो, तो उसके अंदर एडी करेंट जनरेट होता है, एडी करेंट की वजह से कंटेनर गर्म होता है, जबकि आप नॉर्मली अगर गैस चूल्हे पे खाना पका रहे होंगे तो क्या होगा, बहुत सारा हीट आसपास में डिसिपेट होता है, पूरा किचन गर्म होता है कि नहीं होता, सर। उस हीट का लॉस जो है बच जाता है, ठीक है, उसी तरीके से अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर भी यूज करो, सिंपल सा इलेक्ट्रिक हीटर यूज करो, तो उसमें भी एनर्जी का लॉस सराउंडिंग में होगा, तो सराउंडिंग का लॉस बच जा रहा है, सारा का सारा हीट सीधे सीधे कहाँ पहुंच जा रहा है, कंटेनर पे पहुंच जा रहा है, इसलिए एफिशिएंसी बढ़ जा रही है, और इलेक्ट्रिक हीटर के मुकाबले ये कहीं ज्यादा एफिशिएंट होता है, क्या, इंडक्शन कुकर, इसीलिए आजकल लोग इलेक्ट्रिक हीटर यूज नहीं करते, इंडक्शन कुकर यूज करते, है ना, समझ में आया कि नहीं समझ में आया,
क्या? सर एडी करंट प्रोड्यूस हो गया तो अरे छोटे छोटे करंट लूप में हल्के 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 क्या शॉक लगे? पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपको आपकी बॉडी में? भाई समझो कंटेनर मेटल का है, उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है, उसमें जो वी स्क्वायर बाय आर आएगा काफी अच्छा खासा आएगा, ई स्क्वायर बाय आर है ना, हमारी बॉडी में रेजिस्टेंस उससे तो काफी ज्यादा है। हमारी बॉडी के लेवल पे अगर मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करोगे तो ऑब्वियसली करंट फ्लो करेगा, पर जब तक आप बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड वैरी नहीं करोगे तब तक करंट जो है वो इतना नहीं होगा कि हमें कोई नुकसान होगा। ठीक है चलो, तो ये सेफ भी हो जाता है इलेक्ट्रिक हीटर के मुकाबले और ये इफिशियंट भी हो जाता है, हर तरीके से फायदा है ना, इंडक्शन कुकर काफी अच्छी चीज। सो एडी करंट क्या होता समझना। अब देखो अगर लेकिन नॉर्मली ये न्यूसेंस, यहां हमने यूज कर लिया, नॉर्मली ये हमारे लिए क्या है? न्यूसेंस, हमें इसे अवॉइड करना है। कैसे अवॉइड करना? ठीक है, सो अवॉइडिंग या कम करना, अवॉइडिंग एडी करंट। एडी करंट का इफेक्ट हम लोग कम कैसे करते हैं या उसको अवॉइड कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारा जो मेटलिक प्लेट है जो ऐसी जगह पे मेटलिक प्लेट यूज होने वाला है जहां पर मैग्नेटिक फील्ड काफी तेजी से वेरी करेगा, तो वहां पे मेटलिक प्लेट को सीधा नहीं लेते हम लोग, इस तरीके का मेटलिक प्लेट लेते। कोम बनाते या होल्स पर, होल्स उतने इफेक्टिव नहीं होते जितने इफेक्टिव ये कोम होते। सर इससे क्या फायदा हुआ बताते हैं। अब इसमें करंट अगर किसी लूप में फ्लो करना चाहेगा तो जगह ही नहीं, सर यहां नहीं, यहां तो मेटल नहीं है ना, मेटल यहां है, यहां लूप बनाने की जगह ही नहीं ना, है क्या? बोलो। तो इससे क्या एडी करंट काफी कम हो जाता है, छोटे छोटे लूप से अभी भी रहेगा पर बहुत कम हो जाएगा होगा। ओके बेटा समझ में आई बात? अब ऐसे समझ लो जो ईएमएफ होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, दैट इज प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स, या दैट इज प्रोपोर्शनल टू एरिया, दैट इज प्रोपोर्शनल टू, अगर हम सारे रूट्स को सर्कुलर ले लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, राइट है ना, आया ना, बोलो ना। और आपका जो रेजिस्टेंस होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू 2πr, तो आपका जो पावर का जो लॉस है दैट पावर इज इक्वल टू ई स्क्वायर बाय रेजिस्टेंस दैट इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, आया ना। तो अगर आपके ये लूप छोटे हो जाएंगे तो एनर्जी का लॉस ड्रास्टिकली डिक्रीज हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा बताइए, होगा कि नहीं होगा? इसलिए हम लोग एडी करंट को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, अपने प्लेट्स को जो है ना मेटलिक प्लेट को पूरा का पूरा प्लेट लेने की जगह उसको इसके बीच में कुछ कट लगा दो जिससे कि लूप बनने की जगह ना बने, ना हो बड़े लूप ना बने। आगे बढ़े सर, कॉपी कर। हाँ साइंटन आप डाउट बताइएगा सर। हाँ सर, अब देखना सेल्फ इंडक्शन करवा रहे स्टार्ट किया था सर। हाँ सेल्फ इंडक्शन इसके बाद होगा, मैं सेल्फ इंडक्शन शुरू थोड़ा ना किया था, करने वाला था ना। नहीं सर हेडिंग नहीं कर रहे थे सेल्फ इंडक्शन इसके बाद, वही तो टॉपिक बचा है लेकिन बीच में पूरा एक छोटा टॉपिक छूट गया तो बता। ठीक है आगे बढ़े सर।
यहाँ छूट जाएगा तो पूरा ही छूट जाएगा ये, इसलिए इतना छोटा टॉपिक है ना बेकार में, और इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो एडी करंट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन है, सोचिए। सर हो गया, चलो। तो एडी करंट का एक बहुत ही अच्छा आप इफेक्ट देखिए, ये आपका मान लेते हैं एक मेटलिक सरफेस है और आपने इसके ऊपर एक मैग्नेट को ड्रॉप कर, मैग्नेट में इधर नॉर्थ पोल है इधर साउथ पोल है, आपने इसको ड्रॉप कर, तो क्या होगा सोच के देखिए। ये कंडक्टर बहुत सुपर, बहुत ही शानदार कंडक्टर है, वेरी एक्सीलेंट कंडक्टर। तो क्या होगा, यहां से जो मैग्नेटिक फ्लक्स निकल रहा होगा वो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके थ्रू पास होगा, और जैसे जैसे पास में आएगा मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज करेगा, उसकी वजह से जबरदस्त तरीके से एडी करंट आएंगे, और जब भी मैग्नेट बहुत पास में आएगा फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज बहुत ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा। हाँ या ना, बोलिए। यस सर तो एडी करंट इतने ज्यादा आएंगे कि इसके मोशन को भयंकर तरीके से रेजिस्ट करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, यस और ये मैग्नेट कभी भी मेटल के ऊपर बहुत तेज नहीं करेगा, हमेशा सॉफ्ट लैंडिंग होगी। समझ में आई बात, एडी करेंगे। है ना, समझ में आई बात, इंटरेस्टिंग है कि नहीं है। हाँ, तो सर इसका काम क्या होगा? सही ही काम का कहा है? काम का नहीं, इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, वैसे काम का भी है बताता हूँ। सोचिए, ये सिर्फ एक्सीलेंट कंडक्टर नहीं है, इसको मैंने रिप्लेस कर दिया विथ सुपर कंडक्टर। पोत्री, ये क्या होता है तो पता है ना अपन को, इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता है ना। अगर सुपर कंडक्टर हो गया तो क्या होगा, करंट इज वेरी हाई, और रेजिस्टेंस तो है ही नहीं तो करंट तो बहुत ज्यादा होगा, करंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस मैग्नेट को कभी पहुंच नहीं देगा, पर लैंडिंग होगी नहीं। समझ में आया, यूं समझ लीजिए सुपर कंडक्टर के लिए क्या बोलते हैं हम लोग, प्रॉपर्टी क्या होती है सुपर कंडक्टर की, उसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी कर ही नहीं सकते। क्यों, फ्लक्स वैरी किया ईएमएफ आया, ईएमएफ आया तो करंट कितना आया, ईएमएफ आया रेजिस्टेंस तो कि जीरो, इनफाइनाइट करंट उत्तरी की। समझ में आया, सर मतलब उसके अंदर आप फ्लक्स वैरी नहीं कर सकते, मतलब उसके पास में मैग्नेट मूव ही नहीं कर सकता। अभी फिजिकल क्लास होती तो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था क्लास में, हमारे पास सुपर कंडक्टर रखा हुआ है, हमारे पास लिक्विड हाइड्रोजन रखा हुआ है। सर जब खुलेगा दिखाइएगा। हाँ बिल्कुल, उसके ऊपर बस पड़ा रहता है सुपर कंडक्टर के ऊपर मैग्नेट ना, बस एकदम स्टिल रखा रहता है, वो हिलता ही नहीं, बस पड़ा रहता है, गिरता ही नहीं। ठीक है, ये छोटे बच्चों को दिखा चुके हम लोग, क्लास 10th के बच्चों को, आपको नहीं दिखा। चलो आगे बढ़े कॉपी कर भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नोट करने लायक, कभी गलती से सुपर कंडक्टर का क्वेश्चन आ जाए तो क्या होगा, फ्लक्स थ्रू सुपर कंडक्टर कांट वैरी विथ टाइम एज इट विल लीड टू क्या, इनफाइनाइट करंट। समझ में आई बात, अब सुनो बात को, वैरी नहीं कर सकता और इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड वैरी नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड हो ही नहीं सकता,
इनफैक्ट मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं हो सकता अगर सुपर कंडक्टर पहले से एग्जिस्ट कर रहा है तो। पूछो क्यों क्योंकि कभी ना कभी जीरो था राइट आया ना, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जाएगा कैसे, पहले तो जीरो था ना, वैरी करेगा नहीं, चेंज करेगा नहीं, पहले जीरो था तो हमेशा जीरो रहेगा राइट। ऑटोमेटिकली करंट इंड्यूस हो जाएंगे जबरदस्त तरीके से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता कंडक्टर सुपर कंडक्टर के ऊपर अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होता। ठीक है, कभी क्वेश्चन आ जाना एग्जाम में ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, नो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट इन सुपर कंडक्टर। ओके, समझ में आ गया। फाई मतलब ये मैग्नेटिक फ्लक्स, सर तो वो वैरी नहीं करेगा तो ईएमएफ क्यों इंड्यूस होगा? यही तो कह रहे हैं, जीरो बाय जीरो लिमिट पर है ना, जीरो बाय जीरो वाला करंट है। अच्छा हाँ सर, बढ़े आगे। यस एक और चीज इस पे ना आईआईटी ने एक बार अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया था, शायद 2005 में पूछा था मेरे टाइम, सुपर कंडक्टर का नहीं था वो क्वेश्चन, बोला था एक कॉपर ट्यूब है इसके अंदर एक मैग्नेट को गिरा दिए। ठीक है, और दूसरे मैग्नेट को बगल में गिराया, कौन सा मैग्नेट जल्दी गिरेगा? ये नहीं पूछा तो क्वेश्चन कुछ और था, बट ये उसका सिंपलर वर्जन है, क्वेश्चन इससे थोड़ा और कॉम्प्लेक्स था। कौन सा मैग्नेट जल्दी गिरेगा ग्राउंड तक पहले पहले पहुंचे बताइए। वो कॉपर का ट्यूब है। हाँ ये कॉपर ट्यूब, देखिए ये तो सीधे गिर जाएगा एक्सेलरेशन जी से, लेकिन अगर ये मूव करेगा तो कॉपर ट्यूब में करंट इंड्यूस होगा और करंट इस मैग्नेट के मोशन को अपोज करेगा। हाँ या ना? हाँ सर। सो जिसका जो एक्सेलरेशन है दिस इज लेस देन जी, एज इंड्यूस्ड करंट इन कॉपर ट्यूब will resist its motion, right? ये experiment भी हम लोग class में करते हैं पर अभी नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़े। Okay, sir. कॉपी हुआ ओए सर। हो गया सर। हो गया, अच्छा तो कॉपर ट्यूब भी हो गया राइट। अब क्या करें, अच्छा देख ये क्वेश्चन भी शायद आईआईटी में आया हो, मुझे याद नहीं किस एग्जाम में आया, किसी ना किसी एग्जाम में आया हो क्वेश्चन। ये मेरे पास एक रिंग है विद अ कट, ठीक है, इस रिंग के अंदर इसकी रिंग के एक्सिस के अलोंग मैंने एक मैग्नेट को ड्रॉप किया, नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, और एक मैग्नेट को मैंने यहां ड्रॉप कर दिया नॉर्थ पोल इधर साउथ पोल इधर, विच वन
which one will fall faster? बताइए। सर फर्स्ट वाला। आंसर है बोथ विल टेक सेम टाइम। क्यों? क्योंकि यहां पे कट है, इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा फिर भी करंट नहीं आ पाएगा, राइट? ओके समझ में आई बात? हाँ, अगर यहां पर रिकॉर्ड रिंग लगाया था, पूरी रिंग लगाया था, तो क्या बोलते, रिंग तो रजिस्ट करेगा इसलिए ये वाला स्लो चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना? हाँ, या ना? यस। चलो आगे बढ़े। चलिए गए सर। सर हाँ बेटा। सर लास्ट क्वेश्चन में वो जो कॉपर ट्यूब था, अगर वो पहले से फ्लोर पे रहता तब तो दोनों का स्पीड सेम रहता ना, नहीं, क्यों रहता? सो क्योंकि वो तो फ्लोर पे तो डिस्टेंस तो बहुत है ना दोनों के बीच क्या हो बेटा, ट्यूब के अंदर से निकाल रहे हो ना आप, तो ट्यूब के अंदर तो करंट फ्लो करता रहेगा ना, सर्कुलर करंट ऐसे। हाँ सर। कॉपी हुआ? यस सर। एक और फिनोमेना समझो। मान लेते हैं ये रिंग है, ठीक है, ये रिंग है, और यहां पर मैंने एक कॉइल रखा, एक बैटरी लगा दी है, एक की लगा दी। अगर मैं इस की, ये रिंग को मैंने एक सपोर्ट दे रखा है, ठीक है, लेट्स से रिंग को मैंने छत से रस्सी से टांग दिया है, या फिर मैंने यहाँ पे एक हल्का सा कुछ सपोर्ट दे रखा है जिससे रिंग गिर नहीं रही, ठीक है, जिस रिंग के सपोर्ट है, ओके, कैसे भी सपोर्ट दिया जा सकता है आपके क्वेश्चन में। इस की को अगर मैं क्लोज करूंगा तो क्या होगा मालूम है? दैट्स लाइक कि मैंने एक मैग्नेट को बहुत तेजी से इसके पास ले आया, है ना? आया ना? क्योंकि जैसे की को क्लोज करेंगे यहां पे करंट फ्लो करेगा ऐसे, तो इसके अंदर बहुत तेजी से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना भाई, जवाब ही नहीं देना है किसी को, पता नहीं क्या करते रहता हूं। मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत तेजी से चेंज होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें बहुत तेज करंट आएगा, वो करंट इतना तेज आएगा कि वो करंट जो है इस करंट इस इसकी विसिनिटी को अपोज करेगा, तो ये रिंग क्या होगा, इस नीचे वाले कॉइल से दूर जाना चाहेगा, और क्योंकि करंट सडन आया है मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा तेजी से वैरी करेगा, तो यहाँ पे करंट बहुत तेज आएगा, बहुत स्ट्रांग मैग्नेट बनेगा, और इन दोनों में इतना जबरदस्त रिपल्शन होगा कि एकदम तो जंप कर जाए। समझ में आई बात? आया ना? सर वाह, आप लोग कुछ बोलते हो नहीं जब मैं पूछ रहा होता हूं, तो मैं कह रहा हूं
यहाँ पर जब की को क्लोज करोगे तो करंट आएगा, सडन करंट आएगा, जिसकी वजह से सडन मैग्नेटिक फील्ड आएगा, टाइम बहुत कम लगेगा। तो डी फाई बाय, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है, डी टी इज वेरी लार्ज, दिस इंप्लाइज इसके अंदर जो इंड्यूस करंट आएगा दैट विल बी वेरी लार्ज। एंड इट विल बी लाइक समथिंग, इसकी वजह से जो रिपल्शन होगा वो बहुत ज्यादा होगा। दैट विल क्रिएट अ फिजिकल इम्पल्स एंड रिंग विल जंप। ओके, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, पूछ रहा हूँ तब भी नहीं आ रहा। समझ में आया कॉन्सेप्ट? हाँ सर, ठीक, आगे बढ़े। कॉपी कर रहा ये फिनोमेना समझ में आ रहा है? कितने जबरदस्त, कितने इंटरेस्टिंग फिनोमेना है ईएमआई से रिलेटेड। आप पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तब आपको और भी कुछ फिनोमेनाज मिलेंगे, उनको कैसे हैंडल करते ये भी आप लोग सीखोगे। तो प्रैक्टिस पूरी कर लेना। हालांकि ज्यादातर क्वेश्चन अगले टॉपिक से होंगे, जिसका नाम है सेल्फ इंडक्शन, वो नेक्स्ट पेज पे शुरू हो रहा है। हो गया। अच्छा, हमारा अगला टॉपिक है सेल्फ इंडक्शन। ध्यान दीजिए, मेरे पास लेट से ये एक कॉइल है, ठीक है? दिस इज अ कॉइल विथ एन टर्न्स, रेडियस आर है, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल है, ठीक है? इसमें ये करंट जा रहा है आई, राइट? तो इसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना? ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी प्रोपोर्शनल टू करंट, यस और नो? यस और खुद के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी तो इस रिंग के थ्रू पास हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो उसकी वजह से एक फ्लक्स आएगा। कौन सा फ्लक्स? खुद के करंट का फ्लक्स, तो उसको कहते हैं फाई सेल्फ। इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी प्रोपोर्शनल टू करंट, आया ना? सफाई सेल्फ इसका मतलब इसके खुद के करंट की वजह से खुद में फ्लक्स, खुद के करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया ना, उस मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स, अच्छा ठीक है सर। ठीक है? तो क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड करंट के प्रोपोर्शनल है, फाई सेल्फ जो होगा मैग्नेटिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होगा, इसलिए फाई सेल्फ विल ऑल्सो बी प्रोपोर्शनल टू करंट। तो मैं यहां पर इस प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट लिख देता हूं, फाई सेल्फ इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट एल इंटू आई, है ना? यस एल इज नथिंग बट अ प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट। नाउ इफ द करंट इज वेरीड, अगर मैं करंट को वेरी करूंगा तो क्या होगा? एक ईएमएफ इंड्यूस होगा सेल्फ पर, दैट इज इक्वल टू माइनस डी डी टी ऑफ फाई सेल्फ, यस और नो? यस दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी। नाउ माइनस साइन रिप्रेजेंट्स दैट दिस ईएमएफ विल बी सच दैट इट विल अपोज एनी चेंज इन करंट। दिस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस एनी चेंज, चाहे आप करंट को इंक्रीज करना चाहो चाहे डिक्रीज करना चाहो, एनी चेंज इन द
करें। समझ में आई बात? समझ में आया कि नहीं आया? सर लास्ट वाला पार्ट वो देखो भैया, अगर करंट को वैरी करोगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स वैरी करेगा, तो एक ईएमएफ आएगा। और ईएमएफ क्या बोलेगा भाई? जिस भी कारण से मेरा फ्लक्स चेंज होगा मैं उसको अपोज करूंगा, यही है ना लेंजेस लॉ। हाँ सर। और इस पर कारण क्या है? करंट का वैरी करना। तो करंट में वेरिएशन को अपोज करेगा, बोलेगा नहीं करंट तो वैरी मत कर, प्लीज वैरी मत कर, प्लीज वैरी मत कर। समझ में आई बात? ये बात और है कि वो कभी जीत नहीं पाएगा, वो कभी भी जीत नहीं पाएगा। ठीक है, मान लो अगर वो जीतने लगा मतलब करंट वैरी हुआ ही नहीं, तो वो लगा ही नहीं है। मैं समझ में आई बात? करंट वैरी कर जाएगा, हाँ वो वैरी करने की रेट को चेंज कर देगा, वेरिएशन को स्लो कर। समझ में आई बात? सर तो हमेशा ही जो करंट, जो एक करंट अगर आप वैरी करोगे किसी सर्किट में, तो वो सर्किट उस करंट में चेंज को अपोज करता है। ध्यान दीजिए, रेजिस्टेंस की वजह से क्या करता है? करंट को अपोज करता है, राइट? यस सर और इस सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या करता है? सेल्फ इंडक्शन की वजह से क्या करता है? करंट में वेरिएशन को अपोज करता है। वो करंट को भी अपोज कर रहा है, करंट में वेरिएशन को भी अपोज कर रहा है ना? समझ में आई बात? हाँ ये जो एल है ना, इसको हम क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन। क्या कहते हैं? सेल्फ इंडक्शन, इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्शन इस फेनोमेना को कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? सेल्फ इंडक्टेंस। नाउ अगेन, दिस इज एन एज इंपॉर्टेंट अ क्वांटिटी एज रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस। ओके ओके यस ये तीसरी वो क्वांटिटी है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस, जैसे ही सेल्फ इंडक्टेंस और उतनी ही इंपॉर्टेंट। ओके बेटा, तो बढ़े आगे। सर एक मिनट कॉपी करें। हो गया सर। हो गया, चलो तो अब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि भैया ये सेल्फ इंडक्टेंस आप लोग निकालते कैसे, उसका एप्लीकेशन तो बाद में देखेंगे। पहले देखते हैं कि किसी सर्किट का एल कैसे निकालोगे, या किसी किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एल कैसे निकालो। फाइंडिंग फाइंडिंग सेल्फ इंडक्टेंस, तो सीधी सी बात है, फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? फाई इक्वल्स टू एल आई। ओके बेटा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल लेते हैं एक कॉइल का। कॉइल नंबर ऑफ टर्न्स एन है, रेडियस आर। ठीक है, तो ये रहा मेरा कॉइल जिसके नंबर ऑफ टर्न्स एन है, रेडियस आर। अब देखो इसमें ना सॉल्व करना थोड़ा मुसीबत, परफेक्ट सॉल्यूशन इसका नहीं मिल सकता, हमें कुछ अजम्पशन लेना पड़े। क्या अजम्पशन करना पड़ेगा? मैग्नेटिक फील्ड इन द होल एरिया इज सेम एज मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। इस पूरे एरिया में जो सेंटर का मैग्नेटिक फील्ड है ना, वही इन सब जगहों का। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं। ठीक है, ये गलत अजम्पशन है, बट दैट्स द बेस्ट वी कैन डू। ओके बेटा, तो सॉल्व कैसे करेंगे? हम सबसे पहले इसमें एक करंट फ्लो कर रहे हैं, करंट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वही रखेंगे,
कितना होता है एक सॉरी एक करंट कैरिंग लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है? वैसे ना करो यार, बता दो तुम लोग। सर म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर म्यू नॉट एन आई बाय 2 आर 2 आर, राइट? तो फ्लक्स कितना हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर है ना? बोलो। यस नहीं, एन टाइम्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हर एक लूप में से फ्लक्स पास होगा ना, आया ना? सर सो दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर टाइम्स पाई आर स्क्वायर। एक आर ने एक आर मारा, क्या बचा? म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर बाई 2 टाइम्स आई। ये आया फ्लक्स। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर, ये क्या हो गया आपका? हेलो, समझ में आई बात? आया ना? क्या आया एल का वैल्यू? एल इज इक्वल टू पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर बाय 2। अब देखो यार, कुछ लोग इन फॉर्मुलों को याद करते हैं, मैं याद करना पसंद नहीं करता, पर क्योंकि आप अगर किसी बुक के सॉल्यूशन देखोगे ना, तो डायरेक्टली इस फॉर्मुले को यूज करना, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसलिए मैंने डब्बा बनाया। ओके बेटा, यस याद करने की इच्छा है कर लो, नहीं इच्छा ना, मैंने अपने टाइम पे याद नहीं किए थे। मुझे लगता था यार, जितने मेहनत में इसको याद करूंगा, मैं ड्राइव कर लूंगा 2 लाइन का, तो समझाने में थोड़ा थोड़ा टाइम लगा, खुद से ड्राइव करने में कितना टाइम लगा, है ना? सर हो गया। एग्जांपल क्या है? चलो, मैग्नेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड। देखो भाई, सोलेनोइड है जिसकी लेंथ आपको एल दे रखी है, नंबर ऑफ टर्न्स एन दे रखे हैं, रेडियस आर दे रखी है, ठीक है? ठीक है बेटा, यस तो इसमें हम सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालेंगे? हम बोलेंगे अगर करंट आई जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? म्यू नॉट स्मॉल एन आई, दैट इज एन बाय एल इनटू आई, आया ना? यस और फ्लक्स कितना हो जाएगा? बी टाइम्स एन पाई आर स्क्वायर, है ना? म्यू नॉट एन बाय एल एन पाई आर स्क्वायर आई, दैट इज इक्वल टू पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एल टाइम्स आई। अगर आपको कैपिटल एम की फॉर्म टर्म्स ऑफ फॉर्मूला पसंद नहीं है, ये आपका एल, राइट? अगर आपको कैपिटल एम के टर्म्स ऑफ फॉर्मूला नहीं चाहिए, स्मॉल एम के टर्म्स में चाहिए, तो क्या लिख सकते हो? और एल इज इक्वल टू पाई म्यू नॉट एन स्क्वायर आर स्क्वायर एन, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ टर्न्स के हमेशा स्क्वायर का प्रोपोर्शन हो, क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी नंबर ऑफ टर्न्स के प्रोपोर्शनल होगी, और फ्लक्स एक बार फिर से मैग्नेटिक फील्ड इनटू नंबर ऑफ टर्न्स आएगा, है ना? यस तो हमेशा ही एल जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल।
अगर ऑल अदर डायमेंशन रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना सीख गए हम लोग। जनरली सोलेनोइड का ही यूज करते हैं सेल्फ इंडक्टर बनाने के लिए। कॉपी हो गया? हो गया। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड विथ कोर, कोर का मतलब उसके अंदर हमने कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया, जिसके ऊपर हमने वाइंड किया ना, अंदर एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का ट्यूब लिया उसके ऊपर वाइंड, ठीक है, ट्यूब नहीं लिया, पाइप, पाइप नहीं, क्या बोलेंगे, सिलेंडर लिया उसके ऊपर वाइंड, ठीक है, ओके बेटा। तो अगर आपको इसका चाई दे रखा है, लेट्स से ये कोर का आपको चाई गिवन है, हालांकि चाई गिवन नहीं रहेगा, आपको चाई क्या होगा, म्यू आर माइनस वन होगा, राइट, पता है ना, आया ना, तो ये मत बोलना सर ये नहीं पता, म्यू आर क्या था, चाई प्लस वन था कि नहीं था, नहीं था, चल चाहिए क्या था यही याद नहीं है, एक दिन में चैप्टर खत्म हो गया था, हमने पढ़ा नहीं दोबारा। तो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनोइड विद कोर निकालना है, तो आप कुछ नहीं करोगे, आप मैग्नेटिक फील्ड को क्या लिखोगे, म्यू नॉट एन आई की जगह म्यू नॉट म्यू आर एन बाय एल इंटू आई, फिर लिखोगे फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू एन टाइम्स पाई आर स्क्वायर, दिस इंप्लाइज आपका फाई इज इक्वल टू एल आई लगा के एल मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, कुछ नहीं होगा, पिछले वाले फॉर्मूले में एक म्यू आर मल्टीप्लाई होगा, ओके, जैसे कैपेसिटेंस में के मल्टीप्लाई होता था, इसमें क्या हो जाएगा, म्यू आर मल्टीप्लाई, ओके, म्यू नॉट की जगह म्यू नॉट इंटू म्यू आर, ओके बेटा, और अगर चाई दे रखा है तो म्यू नॉट इंटू चाई प्लस वन, ओके बेटा। ठीक है, यस तो सेल्फ इंडक्टेंस निकालना आ गया अपन, ठीक है, इसमें अब ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो एक बात करते हैं इंडक्टर की, सेल्फ इंडक्टर, जैसे कैपेसिटर होता था यहां पे क्या आएगा, सेल्फ इंडक्टर आ गया, सिंपली इंडक्टर भी बोलते हैं, इसका सिंबल क्या होता है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इस तरीके से, है ना, जैसे रेजिस्टेंस को कैसे करते हैं और इंडक्टेंस को कैसे, कैपेसिटेंस को कैसे करते हैं, कैपेसिटर को कैसे करते हैं, ऐसे वैसे इंडक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है, फैरेड, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, इंडक्टेंस की, सेल्फ इंडक्टेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है, हेनरी, ठीक है, ओके बेटा। यस कैपेसिटेंस कैसे डिफाइन होता है, क्यू बाय वी
तो इसकी एक और यूनिट क्या होती है, कूलम पर वोल्ट, है ना। रेजिस्टेंस क्या है, वी बाय आई, तो इसकी यूनिट क्या होगी, कूलम पर एम्पीयर, सॉरी वोल्ट पर एम्पीयर होगी, हाँ या ना, होगी कि नहीं। और इंडक्टेंस कैसे डिफाइन, दो तरीके से, एक तो है फाई इज इक्वल टू एल आई से, राइट, और दूसरा क्या है, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे तो क्या जाएगा, ईएमएफ इज इक्वल टू एल डी आई डी टी से, है ना, आया ना, आया ना। बोलो, तो क्या होगा यहां पर, मैं क्या यूनिट बता सकता हूं आपको, बोल सकता हूं कि यहां से यूनिट कितनी आ गई एल की, वोल्ट सेकंड पर एम, राइट, हेनरी वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के बराबर है, ओम वोल्ट पर एम्पियर के बराबर है, और फैरेड कूलम पर वोल्ट के बराबर है, ओके बेटा, यस, कॉपी कर लूं। देखो एक और फॉर्मूला है जो मैं बिना प्रूफ के बता दे रहा हूं, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है कितनी, हाफ सी वी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बाय टू सी। यहां पर पावर होता है, पावर कितना होता है यहां पे, आई स्क्वायर आर। यहां पर भी एनर्जी स्टोर होती है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस के अंदर कितनी होती है, ये हाफ एल आई स्क्वायर। इसका मैंने प्रूफ अभी तक नहीं बताया है, पहले फॉर्मूला बता दिया, प्रूफ तो कर लेंगे हम, ठीक है। हो गया कॉपी, यस, वो हाफ एल आई स्क्वायर था, हाँ हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये इंडक्टर काम कैसे करता है, ए बी ए बी ए बी, लेट से इसमें करंट जा रहा है आई, इस पर चार्ज है क्यू, उस पर चार्ज है माइनस क्यू, इसमें से करंट जा रहा है आई, ओके, ठीक है। तो अगर आप ए से बी मूव करते हो आप क्या लिखते हो, वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस आई आर, लिखते हो कि नहीं लिखते, इसमें बिना किसी दिक्कत के लिखते हो कि नहीं, यस सर, इसमें क्या लिखते हो, वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस क्यू बाय सी, क्योंकि हम पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ जा रहे हैं। यस सर, इसमें क्या लिखोगे, वी बी इज इक्वल टू वी ए माइनस एल डी आई डी टी, आसान है ना सब कुछ, एक ही जैसे है ना, यहाँ करंट के साथ जाते हो तो माइनस आई आर लगाते हो, यहाँ इंडक्टेंस के साथ, यहाँ करंट के साथ जाते हो तो क्या लगाते हो, माइनस एल डी आई डी टी लगाते, ठीक है बेटा, ओके सर, इजी है कि डिफिकल्ट है, सभी तक तो इजी है। चलो तो एक इंडक्टर को बैटरी में लगा के देखते हैं क्या होता है, बढ़े आगे, इंडक्टर विथ अ
बैटरी, हमारे सर्किट में सिर्फ एक बैटरी होगी, एक इंडक्टर होगा और की तो रहती रहती। तो मेरे पास ये एक बैटरी है जिसके बगल में ये की लगी हुई है, और साथ में ऊपर हमने इसको एक इंडक्टर लगा दिया, और कुछ नहीं लगा, सिर्फ एक इंडक्टर लगा। इसका ईएमएफ ई है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, और एक ही के है। मैंने क्या किया, इस की को प्रेस किया एट टी इज इक्वल टू जीरो, तो क्या हो, यहां पे करंट फ्लो करना शुरू करेगा। हाँ या ना, हाँ या ना, बोलो। अब अगर मैं इस लूप की इक्वेशन लिखता हूं, मैं क्या देख, यहां से शुरू करते प्लस ई, आगे कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, करंट के साथ जा रहा है, इसलिए माइनस एल डी आई डी टी इक्वल्स टू जीरो। यस और नो? यस। दिस इंप्लाइज डी आई बाई डी टी इज इक्वल टू ई बाय एल। इसलिए अगर मैं करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊंगा, ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि t इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो है, जीरो रहेगा, और उसके बाद एक उसका स्लोप तो कांस्टेंट ही है, e by l का स्लोप रहेगा। ये अगर थीटा है तो टैन थीटा कितना आएगा, e by l। आया ना? समझ में आई बात? करंट लगातार इंक्रीज करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। ध्यान दीजिए, इंडक्टर करंट को अपोज नहीं करता, करंट में चेंज को अपोज करता है, इसलिए करंट को सडनली चेंज नहीं होने दे, धीरे धीरे चेंज होने दे। ओके, तो एक हाईएस्ट वैल्यू भी होगा करंट का? नहीं, अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है तो, ना बैटरी में रेजिस्टेंस है ना सर्किट में रेजिस्टेंस है, तो क्यों होगा हाईएस्ट वैल्यू? तो इंफिनिटी तक कैसे जा सकता है करंट? इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ना, अगर रेजिस्टेंस नहीं है आइडियल केस में जा सकता है इंफिनिटी पे, दिक्कत क्या? ठीक है, आगे बढ़े। ओके, तो हमारे पास क्या, इंडक्टर विद अ बैटरी होगी। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। इसमें सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर हम दो इंडक्टर्स को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, देखिए ये एक इंडक्टर है, इसके साथ में ये दूसरा इंडक्टर है। एल वन एल टू, ठीक है, लेट्स से यहां से करंट आ रहा है आई, तो वही करंट एल वन में जाएगा, वही करंट एल टू में जाएगा, है ना? अब अगर मैं यहां पर ए बोल दूं, यहां पर बी बोल दूं, तो ए से बी कैसे पहुंचूंगा? ध्यान दीजिए, बी ए आगे गए, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस एल वन डी आई डी टी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, माइनस एल टू डी आई डी टी इक्वल्स टू वी बी। यस और नो? यस और नो? यस।
इसका मतलब एल की इफेक्टिव वैल्यू कितनी हो गई? फाइनली कहीं तो वो फॉर्मूला लगा जो रेजिस्टेंस से बचपन में पढ़ा था, है ना? नहीं तो स्प्रिंग में उल्टा ही लगता है, कैपेसिटर में उल्टा ही लगता है, खाली रेजिस्टेंस का ही है वो फॉर्मूला, है ना? हाँ सर। चलो कॉपी कर लो। ओके बढ़े आगे। यस दूसरा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां पर एक इंडक्टर लगा है, यहां पे दूसरा इंडक्टर लगा है। ठीक है। यहां से करंट गया I। अच्छा इंडक्टेंस यहां पे L1 है, यहां पे L2 है। यहां से करंट गया I, तो थोड़ा करंट ऊपर से जाएगा, थोड़ा करंट नीचे से जाएगा, मुझे नहीं पता कितना जाएगा, पर थोड़ा थोड़ा जाएगा, है ना? अब यहां पर क्योंकि दोनों पैरेलल में है, इक्वल क्वांटिटी क्या हो, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना? आया ना? तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है V, दैट हैज टू बी इक्वल टू L diDt, बट V इज ऑल्सो इक्वल टू L1 diI1dt एंड V इज ऑल्सो इक्वल टू L2 diI2dt। यस और नो? यस दूसरी चीज, ये मेरी तीन ही क्वेश्चन बन गई। मैं ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं सब कुछ जो कॉमन चीज होती है ना उसकी तरफ से लिखना लिखना सबसे बेसिक है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग की टेक्निक्स में ये। सर। तो क्योंकि यहां पे वी सेम है, इसलिए मैंने सब कुछ वी की तरफ से लिखने की कोशिश कर। ओके बट हमें असली रिलेशन यहां मिलने वाला है क्या? सर आई तो आपका I1 प्लस I2, राइट? दिस मीन्स diDt इज इक्वल टू diI1dt प्लस diI2dt, राइट? अब मैंने क्या किया, इन चीजों तीनों चीजों को आकर इस इक्वेशन में फॉर्म में डाल दूं तो मुझे क्या मिलेगा? diDt क्या है? V बाय L। diI1dt क्या है? V बाय L1। और diI2dt क्या है? V बाय, सॉरी V बाय L2। दिस मीन्स क्या हो गया, 1 बाय L इक्वल्स टू 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। यस और नो? यस मजा आया? तो वही फॉर्मूला बन गया फिर से, सिर्फ जो अपने रेजिस्टेंस का था बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ाया था, कहीं तो एक जगह तो काम आया, चार जगह पढ़े तो एक जगह तो काम आया, राइट? यस तो देखो आप जैसा कि आप देख रहे हो कि सीरीज पैरेलल में इंडक्टर का जो फॉर्मूला आ रहा है वो वही आ रहा है जो कि रेजिस्टेंस का, राइट? यस इसलिए अगर आपके पास एक नेटवर्क ऑफ इंडक्टर्स हो, सिर्फ इंडक्टर्स, उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई कैपेसिटर नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसमें सीरीज पैरेलल अगर नहीं भी है, आपको अगर इफेक्टिव सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, तो आप क्या करोगे मालूम है? क्या करो, रेजिस्टेंस की वजह से। सब सब में हेनरी की जगह ओम लिख दो, सॉल्व करो, अंत में ओम की जगह हेनरी लिख दो। समझ में आ गई बात? हाँ सर। नेक्स्ट सबको रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दो, सॉल्व कर दो और बोल दो भैया वही इंडक्टेंस। ओके तो आगे बढ़े। यस सर। ओके अब देखो यार, थोड़ा था ना एक इंटरेस्टिंग चीज देख ली। कंपैरिजन बिटवीन मैकेनिक्स
एंड सर्किट। और जो कंपैरिजन है वो सिर्फ मैथमेटिकल, ध्यान दीजिएगा, ओनली मैथमेटिकल कंपैरिजन है, कोई भी फिजिकल कंपैरिजन नहीं, ठीक है? ठीक है बेटा। यस सर। तो मैंने यहां पर शुरुआत करी कहां से, मैंने बोला यार लेट्स से जो आपका चार्ज है ना वो आपके पोजीशन के अगर मैं इक्विवेलेंट मान लूं तो उसके आगे देखो क्या क्या है। चार्ज को मैंने पोजीशन के इक्विवेलेंट माना, तो मेरा करंट कितना होता है, डी क्यू डी टी होता है, ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, डी एच डी टी के, जो क्या होता है वेलोसिटी। ओके, वेलोसिटी को अगर मैं एक बार और डिफरेंशिएट करूं तो क्या आता है, डी टू एक्स डी टी टू या फिर डी वी डी टी, सिंपली ये एक्सेलरेशन होता है, दैट इज सेम एज यहां पर क्या हो जाएगा डी आई डी टी। अब डी आई डी टी का कोई नाम नहीं, हाँ एक्सेलरेशन नाम है, इस डी आई डी टी का कोई नाम नहीं, राइट है ना। यस। अब देखो यहां क्या सर, यहां आता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना, और यहां क्या आता है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू एल इनटू डी आई डी। मास क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज को अपोज करता है, और इंडक्टेंस क्या करता है, करंट में चेंज को अपोज करता है, राइट आया ना, बोलो है ना। तो यहां पर क्या क्या बोलो सर, मैं कह रहा हूं मास क्या करता है, वेलोसिटी में चेंज को अपोज करता है ना इनर्शिया, सेल्फ इंडक्टेंस क्या कर रहा है, करंट में चेंज को अपोज कर रहा है, राइट। तो सेल्फ इंडक्टेंस और मास एक जैसा हो गया कि नहीं हो गया, इसी वजह से हम लोग सेल्फ इंडक्टेंस को इनर्शिया ऑफ सर्किट कहते हैं, क्या कहते हैं, इनर्शिया ऑफ सर्किट कहते हैं। ओके बेटा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। नो सर। देखो फोर्स और भी चीजें लगाते हैं, हमारा मैकेनिक्स में एक और फोर्स होता है, फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स या के एक्स, किसका फोर्स होता है, ये स्प्रिंग का फोर्स होता है कि नहीं होता, यस सर। उसका इक्विवेलेंट यहां पर क्या है, देखो बेटा ईएमएफ इज इक्वल टू 1/c माइनस 1/c टाइम्स क्यू, एक्स की जगह क्यू डालेंगे ना, ईएमएफ की जगह पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, ईएमएफ मत लिखो आप। अब बोलो सर माइनस कहां आता है, तो जब पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रहे तो माइनस आता है ना, कि क्या था पोटेंशियल इफेक्ट, यस सर। तो यहां पर हमने एक और चीज क्या देखी, आपका जो 1/c है दैट इज इक्विवेलेंट टू स्प्रिंग कॉन्स्टेंट, राइट आया ना। यस। अब देखो अभी मैथमेटिकल इक्विवेलेंट, सिर्फ मैथमेटिकली सारी की सारी इक्वेशन सेम है पूरी की पूरी मैकेनिक्स में और पूरी की पूरी सर्किट में, ये दिखाने का, तो आगे आगे हम जब कॉम्बिनेशन लगाएंगे ना सर्किट के फटाफट फटाफट मैकेनिक्स से कंपेयर करके सॉल्व करते हैं, है ना। हाँ सर। चलो तो अगला क्या है, एक और फोर्स जो लगता है माइनस बीवी लगता है, डैम्पिंग फोर्स -6/ηrV, तो यहां पे भी तो होता है V इज इक्वल टू माइनस आई आर, होता है कि नहीं होता, जब करंट के साथ क्रॉस करते हो माइनस आई आर लगाते हो कि नहीं लगाते, यस सर। वही बात है, फिर से दोनों सेम हुए कि नहीं हुए, तो यहां पर आपका जो रेजिस्टेंस है ये तो बड़ा अच्छा था, रेजिस्टेंस जो है इट इज प्रोपोर्शनल टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, प्रोपोर्शनल बोल रहा हूँ, इक्विवेलेंट टू डैम्पिंग कॉन्स्टेंट, है ना, यस और नो।
अभी और बात की है, नेक्स्ट स्टेज पे करूंगा। तो सर ये सब तो मैथमेटिकली हाँ, तो इसलिए अगर हम आगे चल के देखेंगे, अभी तुरंत नहीं, थोड़े बहुत क्वेश्चंस करने के बाद आगे चल के देखेंगे कि कोई सर्किट हमारे पास बन जाए तो उसकी जो इक्वेशन बनाएंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम मैकेनिक्स वाली इक्वेशन होगी जो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो उसी का सॉल्यूशन यहाँ चिपका देंगे, है ना? आया ना? आगे बढ़ो फिर। हाँ सर। सो वी इज इक्वल टू माइनस आई आर, क्या करेंगे देख, फाई कितना होता है, एल आई सर्किट का फाई कितना होगा, एल आई होगा ना, सेल्फ इंडक्टेंस इनटू करंट, और वहां पर एल की जगह मास, आई की जगह वेलोसिटी, तो बताइए क्या बना? मोमेंटम। ठीक है, सो फाई इज इक्विवेलेंट टू मोमेंटम। ओके बेटा, क्योंकि यार 100% कभी नहीं होता, बट बहुत ज्यादा सिमिलरिटी दिख रही है ना मैथमेटिकल इक्वेशंस में, तो हम क्यों नहीं इसका फायदा उठाएंगे सर बाद में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, बताइए। और देखते हैं आपके स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, बताइए तो जरा। हाफ के एक्स स्क्वायर, यहाँ स्प्रिंग की जगह क्या था, कैपेसिटर था, और k की जगह क्या था, 1/c था, तो हाफ k का 1/c और x का क्यूब। अरे बहुत बढ़िया, आया कि नहीं आया? हाँ सर। अच्छा मुझे बताइए काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा सर, हाफ सी वी स्क्वायर, यू कैपेसिटर की जगह, काइनेटिक एनर्जी किसकी, मास, हाफ मास की जगह सेल्फ इंडक्टेंस, वेलोसिटी की जगह करंट का स्क्वायर, ये क्या बन गया, ये काइनेटिक एनर्जी नहीं है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एनर्जी है ना, किसकी एनर्जी है, ये इंडक्टर की एनर्जी है ना। बोलो। यस सर। रेट, हाँ तो सर ये हम लोग ने किया या कुछ साइंटिस्ट ने किया इसका, बेटा ये स्टैंडर्ड ये सब मैनिपुलेशंस, ये स्टैंडर्ड है, इससे इसका जबरदस्त एप्लीकेशन है, अगला चैप्टर आएगा ना, मतलब ऐसा ऐसा करेंगे, तो देखो ना मैथ्स पे इतना वर्क हो चुका है ना कि 11 12th के लेवल पे तो कुछ नया हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर मैं कहीं से मैनिपुलेशन हम लोग नहीं किया, इंसान नहीं किया और कौन करे, मैंने नहीं किया। ठीक है, हालांकि चलो, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड ड्यू टू डैम्पिंग कितना होगा, कितना होगा, पावर होता है माइनस बीवी फोर्स इनटू वेलोसिटी, क्योंकि कंज्यूम लिखना उसमें माइनस नहीं लगाऊंगा, बीवी इंटू वी लिखूंगा, दैट इज बीवी स्क्वायर। यहाँ क्या जाएगा, बी की जगह रेजिस्टेंस आर, बी की जगह आई, आई स्क्वायर आर, ये क्या हो गया, पावर लॉस्ट इन रेजिस्टेंस, यस और नो, बोलिए। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ सर। तो ये मैंने कंपैरिजन आज करके दिखा दिया, इसका यूज मैं शायद आज की क्लास में कर ही नहीं पाऊँ, क्योंकि आज की क्लास में दूसरे मुद्दे बहुत हैं, बट नेक्स्ट क्लास मतलब हो सकता है मुझे कुछ एक्सप्लेन करने में हेल्प हो जाए, इसलिए मैं अभी के लिए पढ़ा के छोड़ता हूँ। ठीक है, हाँ अभी मैं इस फॉर्मूले को प्रूफ करने वाला हूँ। ओके बेटा, ओके सर, चलो बढ़े आगे।
ध्यान दीजिएगा, मोमेंटम को चेंज करने के लिए फोर्स लगाना पड़ता है कि नहीं लगाना पड़ता? यहां मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली ईएमएफ आता है कि नहीं आता? हाँ सर। बढ़िया है ना कंपैरिजन। चलो हम लोगों ने ये कर लिया, राइट। एक सेकंड, आज दिन भर से ना बैठे बैठे कमर टूट रही है। चलो क्या कर रहे थे, फाइव इक्वल टू एल आई आ गया, टी इक्वल टू एम भी आ गया, सब कुछ ठीक है, रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम ड्यू टू रैंकिंग ये भी आ गया, बढ़िया। ओके तो अब बात कर रहे थे एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर, एक इंडक्टर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होती है। फॉर्मुला तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाफ एल आई स्क्वायर, अब हम उसे डिराइव करेंगे, ठीक है। तो बड़े सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ खास बड़ी बात नहीं। सोचिए एक इंडक्टर है जिसमें इनिशियली कोई करंट नहीं जा रहा, तो उसमें तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है ना, बोल सकता हूं कि जब कोई करंट नहीं तो एनर्जी जीरो, राइट। यस। अगर इसमें करंट आई जाता है टाइम वेरिंग, अगर इसमें जो करंट आई जा रहा है वो टाइम के साथ वेरी करेगा, तो ये उस करंट में चेंज को अपोज करेगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं मैं करंट को जीरो से लेकर आई तक लेके जाता हूं, ठीक है, करंट को जीरो से शुरू करता हूं आई तक लेके आता, तो बीच रास्ते में क्या होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा दैट इज इक्वल टू एल डी आई डी टी, या कहना चाहिए माइनस एल डी आई डी टी, है ना। और ये ईएमएफ करंट के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर करंट इंक्रीज करा तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आया ना, आया ना, करंट इंक्रीज करा तो डीआईडीटी पॉजिटिव है, ईएमएफ नेगेटिव हो गया, मतलब करंट के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, यस और नो? यस सर। अगर करंट डिक्रीज करेगा तो डीआईडीटी नेगेटिव हो जाएगा, माइनस साइन लगा के नेट पॉजिटिव हो जाएगा, तो करंट के सपोर्ट में आ जाएगा, तो करंट इंक्रीज करेगा तो उसको भी अपोज करेगा, करंट डिक्रीज करेगा तो उसको भी अपोज करेगा। पर इस केस में मैंने क्या बोला है, करंट की वैल्यू जो है वो जीरो से आई गई, इनिशियली जीरो था उस पर उसको बढ़ा के मैंने आई तक ले लिया, ठीक है। तो ये जो इंडक्टर है इस करंट को अपोज कर, तो उसके अगेंस्ट मुझे वर्क करना पड़ेगा, वो एक्सटर्नल वर्क होगा दैट इज इक्वल टू माइनस ई इंटू आई, पावर होगा नहीं तो, है ना, आया ना। दिस इज इक्वल टू एल आई डी आई बाय डी टी, दिस मीन्स जो एक्सटर्नल वर्क करना पड़ा हमें इसमें करंट डालने के लिए, दैट इज इक्वल टू एल आई डी आई, क्योंकि डी टी डी टी कैंसिल हो गया, अब इसे इंटीग्रेट करेंगे, जीरो से आई, इनिशियली कोई वर्क नहीं किया था, जीरो से डब्ल्यू, दैट मीन्स जो एक्सटर्नल वर्क आया टोटल दैट इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, जो एक्सटर्नल वर्क किया वही तो एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हुआ, दैट मीन्स पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। समझ में आया सबको, हाँ या ना बता दो एक बार। सर डी डब्ल्यू बाई डी टी कैसे आया सेकंड स्टेप में? तो यार फोर्स इनटू वेलोसिटी, ठीक है, वैसे भी ई इंटू आई होता है ना पावर सप्लाई, तो हमें तो जो एक्सटर्नल पावर होगा, जो एक्सटर्नल ईएमएफ लगाएंगे तो वो तो ईएमएफ के अगेंस्ट लगेगा ना, तो माइनस ही हो जाएगा, अच्छा ठीक है सर, ठीक है।
हो गया। चलो तो अगला हमारा टॉपिक है एल आर सर्किट। सर, हाँ आप क्लास के बाद यूट्यूब में ये वीडियो अपलोड कर दीजिएगा हाँ प्लीज। बेटा, एल आर ठीक है सर, सर्किट तुरंत। हाँ हाँ देखो, मैं अपलोड करके उसका लिंक भेज दूंगा, वो अपलोड हो, जब अपलोड होगा तब होगा, ठीक है। लिंक भेज दीजिए। देखो ये इंडक्टर है, ये रेजिस्टेंस है, और इसके साथ में ये एक बैटरी लगी हुई है, जिसके आगे ये की। सिंपल एल आर सर्किट लिया है सीरीज में, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत है? तो अगर मैं इस की को क्लोज करता हूं तो क्या सर ऐसे करंट फ्लो करेगा? लेट्स कॉल दिस करंट स्मॉल आई। तो ऐसे में अगर मैं इस लूप की इक्वेशन बनाऊंगा तो क्या बनेगी बताएं? लूप की इक्वेशन बनेगी प्लस ई माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू जीरो। देखो यार, इस टाइम पे क्यों चले गए? सबसे काम की चीज आई तो कुछ लोग चले गए, रिकॉर्डिंग देखने क्या उन लोगों ने, राइट? ये बनी इक्वेशन आया ना, हाँ सर, ई माइनस आर टाइम्स आई इज इक्वल टू एल डी आई डी टी। दैट मीन्स डी टी बाय एल इज इक्वल टू डी आई अपॉन ई माइनस आर आई। दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, टी इज इक्वल टू जीरो पे करंट जीरो था, टाइम टी पे करंट आई, हमें क्या मिलेगा? टी बाय एल इज इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या देगा? वन अपॉन माइनस आर टाइम्स एल एन ई माइनस आई आर बाय ई। ये इंटीग्रेशन कर लोगे ना आप लोग? यार कर लेना चाहिए, अभी इसको इसमें फंसोगे तो फिर कोई फिजिक्स प्रॉब्लम, फिजिक्स से ज्यादा प्रॉब्लम आपको मैथ्स में। दिस इंप्लाइज माइनस आर टी बाय एल इज इक्वल टू एल एन वन माइनस आर बाय ई टाइम्स आई। कोई दिक्कत? दिस इंप्लाइज वन माइनस आर बाय ई टाइम्स आई इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस आर टी बाय एल। दैट मीन्स आई इज इक्वल टू ई बाय आर टाइम्स वन माइनस ई टू द पावर माइनस आर टी बाय। समझ में आई बात? ये हमारी इक्वेशन बनी। मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे एक बार फिर से देखूंगा, पर अभी के लिए इसको कॉपी कर लीजिए। ये डेरिवेशन है इस इक्वेशन का, और इसको हम नेक्स्ट पेज पे फिर से देखेंगे एक बार। एलआर सर्किट मतलब ऐसा सर्किट जिसमें इंडक्टर भी है और रेजिस्टेंस भी।
हो गया। कहाँ गए आपने? चल, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनी है? इक्वेशन बनी है सर, आई इज इक्वल टू ई बाय आर। ये तो सर नॉर्मल था, अगर तो इंडक्टर नहीं होता तो इतना ही करंट होता है ना, यस इनटू वन माइनस ई टू द पावर माइनस। अब देखो मैं इसको थोड़ा जो आया था ना सर, उसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। टी अपॉन एल बाय, यही था ना, आर टी बाय एल था राइट। यस मैंने क्या बोला, ये जो एल बाय आर है इसको मैंने बोल दिया टाउ, विच इज टाइम कांस्टेंट, कोई आपत्ति नहीं ना। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू, आई नॉट बोल देता हूँ ई बाय आर को जो कि एक्सपेक्टेड था, इन टू पी वन माइनस ई टू पावर माइनस टी बाय राइट। अगर इसमें मैं करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाता हूँ, ग्राफ कैसा बनेगा? ग्राफ बनेगा ऐसा, क्योंकि इसमें करंट इंक्रीज करके आई नॉट के बराबर हो जाएगा टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे। इसको हम क्या बोलते हैं, करंट ग्रोथ सर्किट कहते हैं। पहला क्या है, ये पहला पार्ट है करंट ग्रोथ सर्किट। ओके, तो ये ग्राफ बनेगा। इसका जो माइक का जो यूएसबी ना, वेट से खुल जाता है, इसका कुछ करना पड़ता। चलो आगे बढ़े। तो देखो सब कुछ सेम टू सेम हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ बस यहाँ पे टाउ कितना है, एल बाय आर। आरसी सर्किट तो जानते ही हम लोग, है ना। टी इज इक्वल टू टाउ पे कितना हो जाएगा, कितना करंट हो जाएगा टी इज इक्वल टू टाउ पे बताइए दो। सिक्सटी थ्री पॉइंट टू परसेंट होता ना, आया ना। बेसिकली 63.2% क्या है, ये कुछ नहीं है, दिस इज आई नॉट इनटू 1 माइनस 1 बाय के। तो इसको आप 63.2% ऑफ आई नॉट की जगह क्या लिखो, लिख लो इसको 0.632 आई नॉट, याद समझ में आता है ना। तो बाकी तो अपन ने आरसी सर्किट में पढ़ा था, उसको रिवाइज करना, ये हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यस सर, तो इसमें चार्जिंग डिस्चार्जिंग तो नहीं होगा? देख करंट ग्रोथ सर्किट वाला है आप, हालांकि यहां पे भी दूसरी चीज निकालोगे, वी लिखोगे तो क्या होगा, वी इज इक्वल टू, या इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या लिखोगे? हाँ इसमें क्या आएगा, वी एल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एल क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस एल डी आई डी टी करोगे तो उससे मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, है ना। उसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ कैसा आएगा, ध्यान दो देख लो, ईएमएफ ई ऐसा, ठीक है। और अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस लिखोगे, उसको निकालने के आपके पास दो तरीके बचेंगे, या आप इसको निकालने के भी दो तरीके हो सकते थे। वी आर को आप आई आर भी बोल सकते हो,
तो बेसिकली वैसा ही ग्राफ आने वाला है, आया ना? यस दिस इज वी आर, दिस इज वी एल। नाउ वी एल निकालने के लिए जरूरी नहीं आप डिफरेंशिएट करो, आप वी एल ऐसे भी लिख सकते हो, वी एल इज इक्वल टू ई माइनस बी आर, आया ना? आया ना? थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो कैलकुलेशन बच जाएगी, नहीं तो करो मेहनत गधों की तरह, राइट? यस उस सर्किट को ध्यान रखेंगे, अपने से एनालाइज करेंगे इस सर्किट को खूब बार, तो अच्छे से चीजें चमक जाए, ठीक है? मैं चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसको हम अगली क्लास में कैरी करें, इसलिए मेरा इसी बिल्कुल सेम टू सेम टॉपिक अगला वाला करंट डिके सर्किट जो मैं कल कराऊंगा, ठीक है? ओके सर, तो टॉपिक डाल लीजिए करंट डिके सर्किट। सर कल क्लास है? मैं आपका क्लास कल शेड्यूल कर रहा हूँ, देखता हूँ टाइम टेबल पे, अगर होता है तो कर दूंगा मैसेज कर, ठीक ठीक है, है बेटा? तो करंट डिके सर्किट लिख लीजिए, करंट ग्रोथ सर्किट आज कर लिया, कल क्या करेंगे? करंट डिके सर्किट, ठीक है बेटा? ओके सर, चलो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय बाय। बाय बेटा।